नवरात्र पर्व पर मां की अनोखी भक्ति कहीं ना कहीं देखने को मिलती रहती है। ऐसी आस्था हार्दिक बाजार ग्राम निवासा को देखने को मिली, जहां ईश्वरी चौहान नुकीली खील से भरे खाट के सरिया पर सोए 9 दिनों तक भूखी प्यासी मां दुर्गा की उपासना करने लगी। ईश्वरी चौहान ने बताया कि रात को मां वैष्णो देवी सपने में बालिका रूप में आई और मुझे ऐसा करने का संकेत दिया। फिर उन्होंने नुकीली खील से भरे सैया पर 9 दिन तक सोकर जोत जवारा जलाकर माता की सेवा की और अपने गांव के लिए सुख समृद्धि के लिए माँ दुर्गा से कामना की। ऐसे साधारण में पूजा पाठ करत रहे हैं कहा, उसके बाद लड़की सपना माई सो बोलिस के तय का सब पूजा पाठ करत है, एक कुछ कठिन वाला करबे तब तो कुछ मिल ही ऐसे कही के बोलिस कहा। और उसके बाद फिर मैं चालू करें माला वाला जाप करें कहा, जब माला जाप कर चालू करें ना तो लेडीज है विधवा कपड़ा कपड़ा सादा कपड़ा पहन के, उसके बाद वह अपन माला जाप करी सो माला जाप मंत्र भी मतलब बोलिस कई बार बोली सोला। उसके सपना में मैं सपना के जो तो अपन जैसे लेटे रहता तो फिर उठा के लेटे चलता हमें नहीं उठाओ नहीं मैं मतलब उठबे नहीं करा मैं हाँ मैं हम मत बिना खाए पिए तेमा मैं सोए रहता 9 दिन तक के। शारदीय नवरात्र का पर्व है, इसमें अनेक भक्त होते हैं जो माता की सेवा करते हैं। उसी कड़ी में ईश्वरी चौहान जी पति छोटेलाल चौहान जो कि वैष्णो देवी को मानती हैं और उनका कहना है कि इस यहाँ जो पूजा पाठ का जो दौर है वो बहुत दिनों से विलुप्त प्राय होते जा रहा था, उसको जागृत करने के लिए मैंने माँ वैष्णो देवी की पूजा प्रारंभ की है और मुझे यह प्रेरणा मिली कि माँ मैं भगवती की पूजा करूं, इसी उद्देश्य से मैं भगवान की पूजा की बात है कि ईश्वरी चौहान के द्वारा तपस्या किया जा रहा है, तपस्या है ये 9 दिन तक सोई हुई है ना, और जगना नहीं है उठ नहीं रही है उसमें से, ये बहुत बड़ी बात है, माँ भगवती की कृपा है, माँ भगवती उनको और संबल प्रदान करे।